जब से हमारा न्यू एनिमल आया ना, हमारे हिरन और हमारी बकरियां इस घर में रहने लग गए, और वो वाला हमारा न्यू एनिमल जिसका नाम है अरेबियन ऑरेक्स, वो यहाँ पर भाई बैठा हुआ है, क्योंकि यार इसको ये जगह पसंद आएगी। ये वाला जो घर है ना, इसके लिए बहुत अच्छा है, खुला खुला है, आराम से बैठा हुआ है ये इसके अंदर। उस बिल्ले का क्या करना है भाई? कौन सा बिल्ला? वो जो रात को मैंने तुम्हें दिखाया सिप्टेन, ना वो खा रहा है कुछ, ना पी रहा है, छुप रहा है कोने कोने में जाके। यार उसका करते हैं कुछ ना कुछ, मुझे बताते तो सही कि वो बिल्ला आया हुआ है बेचारा, उसको तुमने यहाँ पर आके छोड़ दिया है। वो तो रात को, शुक्र है मैंने उसको देख लिया, तुमने मुझे बताया तक नहीं है यार सिप्टेन। यार मैंने कहा सुबह ही पता चल जाएगा सबको कि बिल्ला आ गया, क्योंकि एक रात वो रेस्ट करेगा ना। उसको गलती होगी यार, मानता हूँ यार गलती। ये देखिए यार कितना क्यूट बिल्ला है, और ये उन्होंने कहा काटता भी है, उनमें से किसी को काटा है, मुझे ना काट देना बस भाई, इसको रखना। ऐसे बता रहा, ये काटता भी है, काट लेगा फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, लगवा लेंगे। क्यूट है यार ये बिल्ला, इसका नाम भी रखो तो आप। क्या हो गया है, एलर्जी है तुम्हें? एलर्जी तो नहीं है तुम्हें यार इससे? इसके बाल गले गले में चले गए, गिर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, तो आपको भी हो रही है। एक काम करो, तुम हमारे साथ अच्छे से रहो, खाना पीना खाओ, यहाँ पर एडजस्ट हो जाओ, ये अच्छी जगह है, सारे एनिमल्स रहते हैं, तुम भी रह सकते हो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो यार एक तो बिल्ले की परेशानी हो रही है कि यहाँ पर आ तो गया बेचारा, लेकिन यहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, बेचारा सहमा हुआ है, डरा हुआ है। और दूसरा आपको पता है कि सिप्टेन ने एक सरप्राइज मुझे दिया, वो सरप्राइज है अरेबियन ऑरिक्स, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सिप्टेन। उसको तुमने ला के बहुत बड़ी गलती की है यार। कौन सी गलती की है यार? वो अच्छा बहुत प्यारा है, मैं मानता हूँ अच्छा है, मुझे खुशी हुई है देख के। अच्छा। लेकिन उसकी जब मैं तकलीफ देखता हूँ तो मुझे खुशी नहीं होती यार। तुम कम से कम उसे पूछ तो लेते कि तुराब ये मसला है इसके अंदर, हम इसको ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसकी टांग का मसला मुझे नहीं लगता भाई, उन्होंने उल्लू बनाया है तुम्हें पता है? क्या मसला है इसको? कोई और मसला लग रहा है यार। उसकी टांग का मसला नहीं है, जब वो भागता है ना चारों पैरों से भागते, लेकिन उसका कोई मेंटल डिसऑर्डर कुछ ऐसा की मसला है मेंटली, जिसकी वजह से उसको पता नहीं चलता कि वो क्या करना चाह रहा है। देखो और से उसकी टांग टूटी हुई है। नहीं टूटी हुई सिप्टेन, तुम देखो तो सही यार। वो देखे अब ये बेचारा सुबह से ऐसे बैठा हुआ है, इसको मैंने जबरदस्ती बिठाया था तुम्हें पता है, इसको मैंने जबरदस्ती यहाँ पे बिठाया है, डरा डरो के इतना हमला भी करता है, ये सींग मारता है ऊपर, शुक्र है हमने पाइप डाल दिया सिप्टेन, नहीं तो ये ऐसे सींग मारता है ये फाड़ देता सारा जहाँ पर भी लगता। भाई इतना खौफनाक नहीं है चीज, कैसी से खौफनाक नहीं है? हो जाएगा लेकिन ये बेचारा तकलीफ में है सिप्टेन। तो तकलीफ इसकी दूर कर सकते हैं? कैसे करोगे फिर? डॉक्टर को बुलाओ कोई यार, अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिसको हड्डियों का काम आता हो, टांगों का, मतलब जो भी, मतलब एनिमल इस तरह के जो देखते हो उसको। आ जाओ आ जाओ, ये लो ये खाना तुम्हें नहीं खाया अभी तक, ये लो, सींग ना मारना बस, सींग ना मारना क्योंकि सींग खतरनाक होता है। चलो ऐसे होते हैं, क्या हो क्या है ना, तो उसका इलाज नहीं करना तुमने। अच्छा सरप्राइज देता बंदा बेचारा तकलीफ में यार, वो तो तुम एनिमल की तकलीफ को समझो फिर। यार मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ यार हमसे नहीं इलाज हो पाएगा इसका, पता नहीं क्या है, ये फार्म से लेके आ रहे हैं, उनसे इलाज नहीं हो पाए तो हमसे कैसे होगा यार? उनका ये बिजनेस है लेकिन हमारा तो नहीं, हमें नहीं पता कि क्या करना है इसके साथ, क्या है, क्या बीमारी है इसको। मेरी बात सुनो, तसल्ली से आराम से बैठो, इधर बैठो तुम। नहीं यार आराम से बैठो, मुझे गुस्सा आ रहा है तुराब के ऊपर, तुराब ऐसी बात कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या गुस्सा आ रहा है यार? चुप, ये चीज लेने कितने के लिए? तुम ये तो बताओ पहले मुझे, पहले मुझे इसका रेट बताओ कितने का लिया है, कितने का लिया आखिर? क्यों बताऊं मैं कितने का लिया? फ्री में मिला, और बताओ फ्री में कौन आजकल फ्री में कोई बुखार भी नहीं देता अपना, जल्दी बताओ। मैं बताता हूँ यार कितने का लिया और क्या है इसका सीन भाई। ये अरेबियन ऑरिक्स है, वैसे अगर इसको ले तो तकरीबन इस तरह की फीमेल 10 से 12 लाख की मिलती है, अगर नॉर्मल वाली हो, ठीक है, मैंने सारा कुछ पता किया था। लेकिन जो ये वाली ली है ना मैंने फीमेल, ये मुझे तकरीबन 2 लाख की पड़ी है। 2 लाख की है? हाँ जी। वो भी तुम हिरन की पार्टनर ना ले लेते तुम यार? वो भी ले लेते, वो भी ले लेंगे, लेकिन मैंने पता क्यों लिया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया तुमने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। बचती है यार इसको, क्या है यार मेरी बात नहीं सुनो, मैं दिल से लिया, मतलब कि 2 लाख क्या है, मैंने कहा इसको देखूंगा, इसकी टांग का इलाज करेंगे, इसको प्रॉपर चलाएंगे, मुझे खुशी है। तो मैं रहा हूँ, तुम अभी आ रहे हो यार सुबह से, मैं इसकी तकलीफ झेल रहा हूँ। अच्छा देखने से ठीक हो जाएगी वो? यार मैं कभी मेरे मसले, कभी घास रखूं, पानी रख रहा हूं, ज्यादा बहस रखो, इसका इलाज कराना है वो मैं कराऊंगा बस। भाई उनको फोन करो के वापस ले जाए, वापस नहीं करना यार इसको यार, थोड़ा प्लीज चला के दिखाता हूँ मैं, बहुत हो गया। आ जाओ यार, शाबाश, प्यार से बाहर आ जाओ, मुझे मारना नहीं बस। चलो उठो यहाँ से, चलो चलो आराम से, आराम से, आराम से उठ जाओ, शाबाश शाबाश। बेचारा यार, आ जाओ आ जाओ, करेंगे इसका इलाज हम करेंगे, देख लो। हाँ एक टांग ऐसे ना खड़ी होती, सारी टांगे खराब होती। हाँ तो चेक करो अब इसको, चलो शाबाश। एक वाली इसकी है, कौन सी? हाथ हटाओ, ये यहाँ से पकड़ो तुम, ये मैं देखना चाहता हूँ कहाँ से तुम कह रहे हो भाई? ये है ना टांग, हाँ हाँ, इसका अभी खुद चेक करता हूँ कि एक्चुअली मसला कौन से ज्वाइंट में है, ठीक है, अभी देखते हैं इसका। रिलैक्स कर लेते इसको, छोड़ा नहीं, गुस्सा गुस्सा हो रहा है यार। ये देख लो तो आप सिप्टेन, ध्यान से इसका मसला कहाँ पर है,
यार इसके सींग पकड़ो ना, सींग मछली से पकड़ो, वो तो गुस्सा हो रहा है यार। मैं साथ हूँ ना यार, एक मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, रोना बंद करो। लेकिन तकलीफ रो रहा है। एक मिनट, ये देखो ये टूटी हुई है। अच्छा यहाँ से? हाँ यहाँ से टूटी हुई है। हाँ यहाँ से टूटी हुई। पता नहीं कैसे। एक तो दोस्तों ये वाइल्ड है, दूसरा इसकी मेन ज्वाइंट टूटा हुआ है, इसको पता नहीं अब रान कहते हैं क्या कहते हैं, इस जगह से टूटा हुआ है। तो यार ऐसे तो नहीं होगा सिर्फ टैन, हम वीडियो के थ्रू ही किसी से हेल्प ले सकते हैं। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर हमारी वीडियोस देख रहा हो, अगर वो मुल्तान के पास रहता हो या मुल्तान में रहता हो, कोई फिजिशियन या कोई सर्जन जो एनिमल्स की सर्जरी करता हो, हड्डियां जोड़ना जानता हो, तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करें, उन्हें बता दें कि इसका इलाज पॉसिबल है, इसको मसला क्या है, इसकी टांग का मसला है या इसका मेंटल डिसऑर्डर है, तो वही बता सकते हैं सिप्तान और हमें सही से हेल्प मिल सकती है। ऐसे ठीक है। यहाँ पर हमारे हिरण के यार कुछ चने पड़े हुए हैं, ये हम इस ऑरिक्स को खिलाने की कोशिश करते हैं, क्या पता इससे वो थोड़ा रिलैक्स हो। ट्राई करते हैं, सुबह से तो नहीं खा रहा, क्या पता अब खा ले जरा बाहर। ट्राई करो इसके चने, आगे 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 हाथ लेके जाना, दोनों हाथ, दोनों हाथ। कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं यार, खा लो। ये सूंघ रहा है, सूंघ रहा है, तो अब खाएगा, जरूर खाएगा। ये गुस्सा हो रहा है यार, गुस्सा नहीं होता, कुछ नहीं होगा। मैं इधर रख दूं? रख दो, रख दो। नो 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 नो, अच्छा रख दो। यहाँ पर तो आपने चने रख दिए, थोड़ी देर में मुझे लगता है ये खाएगा उठ के, हम साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पर हिरण के काम चेक करें, हमने ऑरिक्स के लिए रखा था खाना, मतलब वो जो चने जो रखे थे, ये हिरण आके खाना शुरू कर दिया इसने, और मुर्गियां भी आ गई हैं। वो बेचारा वैसे के वैसे देखिए बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा कि खाना है, इतना अच्छा मेरा खाना वो खा रही है, लेकिन कोई उसको परवाह नहीं हो रही। हिरण के मजे हो गए, अभी पार्टी होगी इनकी और मुर्गियों की। हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक हो तुम? है आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है ऐश्वर्य, ना जंप ना मारो गर्मी लग जाएगी, इधर ही रहो ठीक है यार। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बस दुआ कर रहे हैं कि आज बारिश हो जाए, बस यही हम हर वक्त यही कहते रहते हैं कि भाई आज क्या पता मौसम ठीक हो जाए, ठंडा मौसम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब देखें यार सूरज फुल जोश में है, बहुत ज्यादा तपिश है, और बस यही तपिश से हमारा सारा सारा दिन गुजर जाता है। हमारे एनिमल्स बर्ड बर्दाश्त करते हैं, हम खुद बर्दाश्त करते हैं, मजे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इन मछलियों के हैं, जो भाई पानी में रह रही हैं, मजे से रह रही हैं भाई जान। ये देखिए दोस्तों इनके मजे, ठंडे ठंडे पानी में रहती है हर वक्त। मुझे इनकी समझ नहीं आ रही आज बाहर धूप में क्यों आ रहे हैं बार बार। देखें भाई मैंने उनको बुलाया है, उनको मैंने बुलाया है, लेकिन चले गए। देखो सारे वापस जा रहे हैं भाई, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वापस चलो घर, अपने अपने घर जा रहे हैं भाई। तो खैर दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और आपने कमेंट बॉक्स में यार लाजमी बताना है कि हम इस ऑरिक्स का क्या करें, क्योंकि उस कोने में अब बैठा हुआ है बेचारा, ना खा रहा है ना पी रहा है। टैन ने मंगवा तो लिया लेकिन बेचारा यार बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो आपने लाजमी यार बताना है कि इसका क्या किया जाए। तो मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।